क्या मस्त दिखाई दे रहा है। देखो गाइस, ये रैना, ये कैसा स्टोन है भाई। देखो एक ब्लैक स्टोन, एक कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है। देखो इतना बड़ा पेड़ है भाई, जो मछुआरा करे ना बोटिंग एरिया, मतलब उस तरीके का है। और मैं अभी जा रहा हूँ बीच के सामने, थोड़ा बीच के सामने जाके फुटेज शूट करने का प्रयास करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ इससे मतलब आर्टिकल जगह पे। यहाँ पर मतलब आर्ट का ना एकदम भंडार है, आर्ट का समुंदर है, समझ सकते हो। मतलब एकदम मैं आया हूँ आज चोलामंडल आर्टिकल विलेज, समझ रहे हो? ये भी आर्टिकल एक विलेज है भाई, मतलब छोटा मोटा गांव समझ लो इसमें। बट अंदर का जो आर्ट गैलरी हो गया, बट काफ़ी रेयर चीज़ें, मतलब इतना महंगा चीज़ें होता है ना, मतलब आर्ट भाई, मतलब पूरा ज़िंदगी खरीद जाएंगे भाई वो एक आर्ट बेचने के बाद ना, एक मतलब अगर बेच दिया ना पूरा। बट उसको बट अभी एग्जीबिशन पे मुझे वीडियो शूट करने के लिए ऑल आउट नहीं दिया है। बट मैं बाहर भी जितना भी है, बाहर का जो जितना भी मटेरियल है, जितना भी बनाया आर्ट से, वो बट दिखा सकता हूँ अच्छी तरीके से। मैं वीडियो पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं जितना भी बाहर का जो फुटेज है, जितना भी जो एरिया है, मैं वो आपको कवर करके इस वीडियो पे दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं गेट पे हूँ, मैंने जाके पहले परमिशन ले लिया, क्योंकि परमिशन लेना ज़रूरी है भाई, क्योंकि यहाँ पर कीमती चीज़ें है भाई, कीमती चीज़ें, समझ रहे हो? इट्स नॉट अ जोक ब्रदर, मतलब गाइस आई मीन सब कुछ रियल चीज़ है, समझ रहे हो? अभी मेरा सामने मतलब इस तरीके का, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है चोलामंडल का, यहाँ पर सब कुछ दिखाया, ड्राइंग वगैरह हो गया सब कुछ, मतलब जितना भी है ना। और ये सबसे मुझे ये ऐसा लग रहा है भाई, ये क्या है मुझे समझ पे नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर एक शीशे का है, और शीशे का सामने क्या है ये, बस ऊपर थोड़ा छेदी छेदी टाइप का है। और ये है मतलब ये है जो आर्ट गैलरी का जो एग्जीबिशन हॉल, यहाँ पर मतलब काफ़ी सारे आर्ट वर्ड रखे हुए हैं। बट यहाँ पर जो अंदर है ना, मुझे वीडियो शूट करने के लिए ऑल आउट नहीं है। बट जितना भी बाहर का जो पार्किंग एरिया है, मतलब गार्डन एरिया और जो आर्टिकल एरिया, वो मुझे दिखाने के लिए मतलब बोला है, मतलब दिखा सकते आप ऐसा। तो फिलहाल अभी इस तरीके का है आर्ट, ये क्या है, और ये है इस तरीके का। और यहाँ पर भी देख सकते इस तरीके का है, प्यारा सा। और ये ना एकदम मज़ेदार दिखाई देता है बैठने में। देखो क्या मस्त दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर। और ये इतना बड़ा पेड़ है ना, ये बर का पीपल का पेड़ है, इतना बड़ा पीपल का पेड़ है। और ये मतलब एक तरह का ना ब्लैक स्टोन जैसा लगता है। देखो ये स्टोन मतलब एक मार्बल टाइप का खतरनाक, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ये स्टोन। इधर भी है एक पीस, वहाँ पर भी है। और ये पेड़ ही कितना खतरनाक दिखाई देता है। देखो इतना बड़ा पेड़ है भाई, खतरनाक दिखाई देता है। यहाँ पर एक, चलो इस तरीके का हम इसको कर लेते हैं ना ऐसे करके। ये रही उल्का मतलब क्या है कुछ भी, चोलामंडल आर्टिकल विलेज, समझ रहे हो? और ये सामने देखो पत्थर का क्या हो रहा है, पत्थर का ये क्या कर रहा है, पत्थर है तरस के रखा है, यहाँ पर खुद ही वो लोग तरस के बना देते हैं। और कुछ इस तरीके का बैक साइड, यहाँ पर बैठने का है, अच्छी तरीके से बैठ सकते हैं। और क्या मस्त दिखाई दे रहा है। देखो गाइस, ये रही ना इस तरीके का है। ये कैसा स्टोन है भाई, देखो एक ब्लैक स्टोन, एकदम खतरनाक ब्लैक लगता है भाई, सॉलिड। देखो चारों तरफ से कटा हुआ है, और बहुत काटने के लिए कोशिश तो किया है वो बनाने के लिए। और कुछ इस तरीके का है, ये भी पता नहीं ये किस चीज़ के लिए बनाया है, बट मस्त दिखाई दे रहा है वैसे तो। अभी इस तरफ मैं जा रहा हूँ, इस तरफ क्या है देखने के लिए, बट घूमना तो पड़ेगा अंदर, क्योंकि फ्री पे आया है तो भाई फ्री के माल तो लूट लेना पड़ेगा भाई। क्या है देखेंगे इस तरफ भी, और काफ़ी मतलब बढ़िया दिखाई दे रहा है भाई, कूलेस्ट सारे जगह, मतलब गार्डन कंपटेटर। बट ये बड़े बड़े घर हो गया, मतलब इसके अंदर मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि जितना भी है इसके अंदर आर्ट रखा हुआ है, और ये बड़े बिल्डिंग इसमें भी आर्ट रखा हुआ है, तो इसके अंदर मैं जा नहीं पाऊँगा। बट बाहर जो जितना भी गार्डन वगैरह वगैरह दिखा सकता हूँ, यहाँ पर भी है। इस तरफ क्या है भाई, सारे तरफ सीसी फुटेज लगाया गया है। कुछ इस तरीके का है भाई, यहाँ पर भी पत्थर है बड़े सा। और ये देखो ऐसे लगता है कि अपना मुंडी को तोड़ के क्या पीछे
मतलब उस पे लगा रहा है जैसा लगता है, कुछ हाथे इस तरीके का है। बाकी तो खैर दिखाए तो क्या दिखाए भाई, बाकी तो इतना ही है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर मतलब जो एग्जीबिशन के अंदर जाके मतलब क्या क्या चीज़ें मैं देखता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मतलब किस किस चीज़ें का ड्राइंग किया गया है, किस किस चीज़ें का आर्ट रखा हुआ है। अगर आई होप मुझे जाने अंदर दिया तो मैं आप लोगों को देख के एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ ना, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें हैं भाई, मतलब इतना इतना महंगा चीज़ें रखा हुआ है, इतना इतना महंगे मतलब जो आर्ट को यहाँ पर रखा हुआ है तो कह सकता हूँ ना। समझ गया। ऐसे सुनसान रोड पे चल रहा हूँ, अभी सीधा सामने जाएंगे तो ब्रिज आ जाता है, और मैं ना इस तरफ आने का मेन रास ये है कि गाइस मतलब वहाँ पर दिखाने के लिए चीज़ बहुत कम था, तो इसीलिए अभी सोच रहा था बीच भी नज़दीक है तो बीच पे जाके आ जाते हैं, थोड़ा सा बीच का दर्शन कर लेते हैं यहाँ पर भी। और ना मतलब आने का टाइम पे इधर उधर जो कॉलोनी रहता है ना, मतलब आजू बाजू के घर, मतलब सारे घर के सामने ना आर्ट लगाया हुआ था, इसीलिए तो वो कॉलोनी है भाई, आर्ट कॉलोनी, मतलब खतरनाक नेक्स्ट लेवल का था, मतलब मज़ा आया बहुत देखने में तो। बट मैं अंदर जाके जितना भी जो मैंने देखा था वो मेरी आँखों से देखा था, बट वो चीज़ें आपको दिखा नहीं पाया इस बात का अफसोस है। तो अभी बीच का मज़ा ले लेते सामने जाके। फाइनली गाइस मैं अभी बीच के सामने आ चुका हूँ, और यहाँ पर बीच के सामने आते ही मतलब ठंडे ठंडे बीच के लहरें, और मतलब एकदम मज़ा आ जाता है भाई। और बारिश भी आने वाला है, मतलब ऐसे धूप चले जा चुका है, अभी 6-7 बजे का बाद मतलब बारिश आने का मतलब संभावना था, मतलब आ सकता है, मतलब आ भी सकता है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पर शूट करके मतलब जितना भी हो सकता है मतलब फ़ोटो वोटो जो कुछ भी मुझे करना है तो करके मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा। और लोकेशन कुछ इस तरीके का है, मतलब एकदम प्राइवेट से प्राइवेट है यहाँ पर, और रिसोर्ट वसोर्ट देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी प्राइवेट लोग का रिसोर्ट है, बड़े बड़े जो लोग रहता है ना मतलब वो लोग का। और यहाँ पर बोटिंग मतलब जो मछुआरा कर रहा ना बोटिंग एरिया मतलब उस तरीके का है। और मैं अभी जा रहा हूँ बीच के सामने, थोड़ा बीच के सामने जाके फुटेज वुटेज शूट करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखो ना मतलब काफ़ी पुराना बोट मतलब वो होके जा रहा है, सड़ रहा है, सड़ते सड़ते जा रहा है भाई। और ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये मतलब इस तरीके का पौधों ने ना मतलब ये बीच का जो एकदम चुम्मे सारी साउथ करके रख देता है भाई, चुम्मे सारी साउथ करके रख देता है। और आज का ना मतलब जगह में कुछ ऐसे हो रहा है भाई, मतलब जितना भी मैं ब्लॉगिंग अच्छी तरीके से शूट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ बट बिल्कुल भी नहीं हो रहा यार मेरे से। आज कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर भी मेरा आधा मतलब पूरी तरीके से शूट नहीं कर पाया, और यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी मेरा आधा ही काम बन गया, मतलब सब कुछ आधा 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 बन रहा है, मान रहे हो। तो अगर इस तरफ बीच का अगर बात करें ना, यहाँ पर त्रिवेणीमयूर बीच और बेसी नगर बीच, बहुत सारे मतलब बीच बीच मतलब एक ही है समुंदर, बट काफ़ी सारे नाम आ जाता है इस तरफ से अगर बात करें तो। और स्टेप स्टेप पे और बीच बन के जाता है, मतलब इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे ही बन जाता है, मतलब यहाँ पर आगे का बात जगन्नाथ बीच हो गया, ऐसे ऐसे करते कोबलम बीच हो गया, ऐसे ऐसे करते करते बहुत जाएगा इस तरफ भी, और दोनों तरफ इस तरीके का है। और यहाँ पर ना लहरें ना मस्त आ जाता है भाई, मतलब खुले जगह पे यहाँ पर लोग क्राउड बिल्कुल भी कम रहता है। अगर आप लोगों को ये आर्ट गैलरी के साथ साथ मतलब जो चोलामंडलम का जो आर्ट विलेज देखना है तो यहाँ पर आके ज़रूर ये बीच का नज़ारा मतलब देख लेना, और ये बीच का प्राइवेट बीच ज़रूर सा एंजॉय कर लेना, ये तो मैं ज़रूर कहता हूँ। चलो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर फ़ोटो वोटो लेने का कोशिश करता हूँ, और उसके बाद क्या हो जाता है, सो लेट्स सी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। यो मज़ा आता है सच में यार, बीच के किनारे पे बैठ के ना मतलब एकदम ठंडे ठंडे हवा आ जाता है यहाँ पर। और जैसे मतलब वीडियो का एंडिंग करना हो यार, वीडियो पे बात करना हो तो मतलब ऐसी जगह पे एंड करना मतलब चुम्मे शेरी साउथ है कि नहीं। तो मैंने जितना भी फुटेज शूट किया था मतलब इस ब्लॉग पे, वहाँ से यहाँ तक शूट किया था, मतलब जो आर्टिकल विलेज से मतलब बीच तक दिखाया था, आई होप यू अगर ज़रा सा भी इंजॉय आप लोग ने किया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही मतलब दमदार और ढांसूदार अगर लाइफ में अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो और इंटरटेन करना रहना चाहते हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, करो जल्दी करो करो बे, आई वॉज जोकिंग। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पता ना यार किसका बिल्ला है मेरे पीछे पड़ गया, देखो म्यू म्यू करके अभी देखो मेरे पीछे पड़ गया, देखो ये काला बिल्ला है बट इसके गले पे पट्टा लगा दिया है, म्यू देखो देखो कितना प्यारा, देखो देखो बहुत बहुत मेरे से प्यार करता है रे बाबा।